हाय स्कूटी भाई, बस व्हाट्स अप। आज मैं एक बहुत ही खास चीज पे बात करने चला हूँ, वो है भाभियाँ। कुछ दिन पहले ना एक सर्वे के दौरान पता चल गया है कि लड़के लोग एक वर्जिन लड़की से ज्यादा एक मैरिड लड़की को पसंद करता है। ऐसा क्यों होता है, ये सच है? तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताएंगे कि यार मैरिड एक लड़की पैसे कमाता है, उसके पास वो लोग प्यार करना जानता है, यही सब। लेकिन ये सब तो मतलब बचने का तरीका है, मतलब सच छुपाने का। मैं आज तुम्हें सच बताऊंगा जो कि शायद तुम्हें खराब लगे, लेकिन यही सच है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, एक लड़की भी देख सकता है ये वीडियो, क्योंकि उनको मतलब एक लड़के से ज्यादा तो लड़की को क्यूरियोसिटी होगा ना यार, क्यों हम वर्जिन है, हम इतने खूबसूरत है तो हम लोगों को छोड़कर भाभियों के पीछे क्यों मतलब दौड़ते हैं ये लोग, यही कारण मैं बताऊंगा। और हाँ, ये भी सच है कि एक लड़की के इनबॉक्स में जितना मैसेजेस आता है उससे कई गुना ज्यादा एक भाभी मैरिड पर्सन के वहां पे आता है। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो पे बताऊंगा, वो भी अपना गट्स लेके, क्योंकि ये सच कोई भी नहीं बताएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता कि तुम अगर मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल का कॉन्टेंट विजिट करोगे, चैनल का कॉन्टेंट पसंद आया देन चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशंस तुमको मिल जाए, मैं हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। सो वेलकम टू माय चैनल मेस प्लैनेट, हियर वी गो। रीजन नंबर वन, सेक्स, सेक्स ऑब्वियसली, और क्या हो सकता है भाई। मतलब एक लड़के, ये पहला पॉइंट है, एक लड़का कभी भी तो ये नहीं सोचेगा कि यार वो देख एक खूबसूरत भाभी जा रहा है, या फिर किसी ने प्रोफाइल पे देखा तो वो ऐसे तो नहीं सोचेगा कि यार काश इससे शादी हो जाता, इसको भगा के मैं शादी कर लूंगा, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई मतलब मैरिड लड़की ऐसा सोच लेता है कि कोई लड़का उसको ऐसा बोल रहा है, कुछ अच्छा बातें बोल रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है, इसका एक ही मतलब हो सकता है, वो है सेक्स। ऑब्वियसली, और क्या हो सकता है भाई। कोई भी एक लड़का अचानक से तो नहीं चाहेगा कि एक मैरिड पर्सन को अपने घर पे ला कर शादी करने, मतलब शादी करके, ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन अगर सेक्स की सिर्फ बात किया जाए तो वहां पे वर्जिन लड़कियां, जो अनमैरिड लड़की है वो तो ऐसा बोल सकती है कि यार हम सेक्स तो हम भी दिलवा सकते हाँ। बहुत सारा डिफरेंसेस है, एक भाभी पटा लिया तो सेक्स मिलना उतना मुश्किल नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट, जितना एक अनमैरिड लड़की से मिलना होगा। सेक्स चाहिए बस, ये बहुत सबसे मेन। तुम बोलोगे कि वो लड़की खूबसूरत है, मैं बोलूंगा कि वो शायद 10% रीज होगा, लेकिन 90% एक लड़के का, एक भाभी से बात करने का 90% रीजन होता है सेक्स। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूं, हाँ किसी को खराब लग सकता है इस बात को लेकर, लेकिन सच यही है सेक्स। हाँ, किसी जगह पे देखा गया कि ये वो लोग सेक्स करते हैं, बाद में वही लड़का उस भाभी के मतलब प्यार में गिर जाता है, उसको पसंद करने लगता है, ये बाद में होता है, लेकिन उसका मेन मोटिव क्या है, सेक्स। बस लड़के लोग ना वो हॉट सेक्स ही नॉर्मली नहीं बोलाता है, उनका इंटेंशन दिमाग में सेक्स चल रहा होता है तभी उसको बोलता है। और वही भाभी को देख के, एक मैरिड पर्सन को देख के अगर वो हॉट बोल रहा है तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो खूबसूरत है, ऐसा नहीं है, वो बस उस लड़की को पेलना चाहता है, दैट्स इट। ये कड़वा सच है यार, किसी को खराब लगे लेकिन यही सच है, शायद तुम्हें बुरा लग सकता है लेकिन यही सच है। हाँ, मैंने बहुत सारा सर्वे किया, बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत लोगों से पूछा,
और तब जाके मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, बहुत सारा लोग मेरे जान पहचान में हो जो लोग एक मैरिड पर्सन से रिलेशन में, और बहुत सारे ने सेक्स किया भी, तो उनमें से सब में, हाँ सब में स्टार्टिंग का रीज़न एक ही था, सेक्स। बाद में कुछ लोग रिलेशन में चले गए और कुछ लोग नॉर्मली हैं, लेकिन मैं मतलब सबका रीज़न एक ही था, सेक्स। तो जो भी है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल का कंटेंट विजिट करोगे, चैनल का कंटेंट पसंद आया देन चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन तुमको मिल जाए। मैं हमेशा ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। सो एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय।